कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनों को खोना क्या हो सकता है, समझ सकती हूं। ये चिट्ठी फिरोजाबाद में सीए के विरोध के दौरान हुई हिंसा में मारे गए परिवार के लिए प्रियंका ने भेजी थी। कल देर शाम गुपचुप तरीके से कांग्रेस के दो बड़े नेता पीएल पुनिया और राशिद अल्वी ने मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर सामने आई है। उन्होंने परिवार को प्रियंका गांधी की चिट्ठी सौंपी। उन्होंने लिखा है कि हमें अपने प्यारे मुल्क और संविधान को बचाने के लिए लड़ना है, जब भी और जहां भी हमारी जरूरत हो आवाज देने में हिचक ना करें। तो एक लेटर यहां पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के जरिए दिया गया है और अब ये खत वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये उस परिवार को दिया गया है खत जो सीए हिंसा में मारे गए थे लोग, और उन्हीं को कहीं ना कहीं ढांढस और सांत्वना देती हुई ये चिट्ठी मालूम होती है। और उनका कहना है कि अपनों को खोना क्या होता है, समझ सकती हूँ, और ये अपना मुल्क है और संविधान को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा, और जब भी हमारी ज़रूरत हो, जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, आवाज़ देने में हिचक ना करें। तो पूरी तरीके से सहयोग, समर्थन, मदद की बात यहाँ पर इस चिट्ठी के जरिए की गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता जो गुपचुप तरीके से फिरोजाबाद में मृतक के परिवार से मिले, और उसके बाद प्रियंका गांधी की ये जो चिट्ठी है उसको वहाँ पर सौंपा गया है, और बताने की कोशिश की गई है कि जो भी परिस्थिति है, जो भी स्थिति है, हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ भी जब भी आप आवाज़ देंगे हम आपके साथ रहेंगे, और आप आवाज़ देने में हिचकिएगा मत। तो प्यारा मुल्क बताया है, प्यारा संविधान बताया है, और कहा है कि इसे बचाने के लिए लड़ना ज़रूरी है, और ऐसे में पूरी तरीके से परिवार को अपना यहाँ पर बतलाती हुई प्रियंका गांधी की ये चिट्ठी जो कि फिलहाल वायरल हो रही है। तो पिछले कुछ दिन पहले भी लखनऊ का जब दौरा किया था तो वहाँ पर हिंसा में जो लोग घायल हुए थे, जिन लोगों के परिवार में शख्स की मौत हुई, तो ऐसे में उन परिवारों का रुख भी प्रियंका गांधी के ज़रिए किया गया और सहायता यहाँ पर देने की बात की गई है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ गई है। अनिला जी, हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूपी को लेकर खास तौर पर प्रियंका गांधी सक्रिय हो रही है, और ये कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी जान चुकी है कि कोटा में ढांढस तो बधाया नहीं, बच्चों की जिस तरह से मौत हो रही है, उनकी माओं से हालचाल जाना नहीं, लेकिन यूपी को लेकर ज्यादा फोकस कर रही है प्रियंका गांधी। खत दिया गया है फिरोजाबाद में, देखिए सीधे सीधे सिद्ध करता है कि किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति में ये लोग इतने ज्यादा लिप्त हैं कि इनको एक राज्य नजर आता है, दूसरा राज्य नजर नहीं आता है जहां पे इनकी खुद की पार्टी की सरकार है। इतने सारे बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो वहां तो एक बार भी किसी माँ को कोई पत्र नहीं लिखा, ढांढस बंधाने नहीं गई, किसी के गले लगने नहीं गई, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। जब मुख्यमंत्री राजस्थान के कहते हैं अरे मौतें तो होती रहती हैं, उनके लिए आम बात हो जाती है, जब उनके हेल्थ मिनिस्टर अस्पताल जाने लगते हैं तो उनके लिए कारपेट बिछ जाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। चूहे घूमते रहते हैं, सुअर घूमते रहते हैं, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, आसपास के जिलों से बच्चे आते हैं इलाज कराने के लिए और वो उनकी मौत हो जाती है। पर हाँ, उत्तर प्रदेश में जो दंगाई जेल में है उनके लिए इनको बहुत सारा दुख है, उनके ये मुकदमे लड़ेंगे, उनके लिए परिवारों के पास जाएंगे, ड्रामा नौटंकी करेंगे। यानी कि ये मान लें अनिला जी, जिस तरह की तैयारियां वो कर रही है 2022 के लिए, शायद आप लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती है। देखिए ऐसा है कि प्रियंका वाड्रा आए, अखिलेश आए, मायावती आए, अपनी अपनी बातें करें, 2022 में चुनाव भी लड़े, तो ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी ना। और हम भी खाली तो नहीं बैठे ना, हम भी तो बताएंगे कि कैसे एक राज्य में इनका चेहरा अलग होता है, दूसरे राज्य में इनका चेहरा अलग होता है, दंगाइयों का मुकदमा लड़ेंगी ये, जिन लोगों ने प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, सोशल एक जो एक एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अनिला जी, लेकिन अगर राजस्थान के कोटा की बात करें, जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है,
यहां पर तो जो कांग्रेस के मंत्री है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार में इससे ज्यादा मौतें हुई थी, जो विरासत में मिला है वही भुगत रहे हैं हम। उनको तो कुछ ना कुछ कहना होगा ना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। आप याद करिए, जब गोरखपुर का विषय उठा था वहां पर एंसेफ्लाइटिस को लेकर जब बच्चों की मृत्यु हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रवक्ताओं ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। जी जी अनिला जी, रोकना चाहूंगी आपको इस वक्त। हमारे साथ अरुण त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। अरुण जी, आखिरकार क्या आपको राजस्थान बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है? क्या आखिर सिर्फ यूपी पर ही टिकी हुई है? वहां के लिए स्पेशली आप खत दे रहे हैं और सांत्वना जता रहे हैं, ढांढस बता रहे हैं। क्या राजस्थान की कोटा की रहने वाली जो माएं हैं, जो अपने बच्चों को खो चुकी हैं, क्या उनके लिए कोई सांत्वना नहीं आप लोगों के मन में? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इसके लिए सर तो नजर क्यों नहीं आ रहा, हमारी सरकार नजर क्यों नहीं आ रहा? क्यों बार बार प्रियंका गांधी हमेशा निशाने पर है, लेकिन उस निशाने के बाद भी उनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि राजस्थान के कोटा में हुआ क्या है आखिरकार? नहीं नहीं, राजस्थान के कोटा में जो हुआ है वो दुखद है और उस पर संज्ञान जो है सक्रियता के साथ काम कर रही है। रही बात मृत्यु पे, बच्चों की मृत्यु पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। और जिस तरीके से प्रियंका जी अगर पत्र लिख रही हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की भी स्थिति खराब है तब पत्र लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सर वक्त को समझते हैं आप, अरुण जी वक्त को समझते हैं आप? वक्त को देखते हुए कहां पर क्या स्थिति होती है उसके अनुसार आपका व्यवहार होता है। लेकिन क्या आप अभी अगर बात करें यूपी से ज्यादा फोकस, अभी खुद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वहां पर फोकस नहीं होना चाहिए? क्या वहां पर माओ के लिए सांत्वना क्या यहां पर खत्म हो गई है? क्या प्रियंका गांधी को सिर्फ यूपी पर फोकस करना है, इसलिए यूपी को लेकर ही यहां पर मुद्दे सामने आएंगे? देखिए, आपका जो चैनल है वो राष्ट्रीय चैनल है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो सवाल खड़े कर रहे हैं और जो भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, एक बार ग्राउंड रिपोर्ट जाकर के वहाँ देखिए कि सरकार किस सक्रियता के साथ में उस अस्पताल में व्यवस्था कर रही है। अरुण जी जितना भी आनाकानी कर लीजिए, सवाल आप लोगों पर उठना ही लाजमी है कि आखिरकार प्रियंका गांधी राजस्थान के कोटा कब जाएंगी, कब माओ से मुलाकात करेंगी, कब उन्हें सांत्वना देंगी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिला जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।